दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी के बाद गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली कैंट के सागरपुर नांगल इलाके में हल्की बूंदाबूंदी के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा हो गया है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी जिस तरीके से चल रही थी, बस एक आस कर रहे थे कि अगर मौसम बदल जाए तो कुछ राहत मिलेगी। और राजधानी दिल्ली में बूंदाबांदी हो रही है और आसमान में जो आकाश में जो है धूप तेज होती थी उसका अब असर देख रहा है कि बादल छाए हुए। हमारे साथ में दिल्ली के लोग हैं। जी क्या कहेंगे सर, कैसा मौसम? जी आज तो भगवान की बड़ी कृपा रही, जो इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी दिल्ली में पड़ रही थी, पिछले कुछ दिनों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 49 तक कहीं कहीं रिकॉर्ड हुआ, 52 तक रिकॉर्ड हुआ कहीं कहीं। और आज देखिए दिल्ली में इतना सुहाना मौसम है और हरियाली, कुछ राहत मिली गर्मी से? बहुत राहत मिली है। कल से ठंडी हवा रात से चल रही थी और अभी बारिश हो रही है, देख लीजिए, और बड़ा सुकून मिल रहा है बाहर। अभी ऐसा लग रहा है बाहर पंखे की जरूरत नहीं, क्योंकि हवा भी चल रही है। ठंडी कितनी बड़ी राहत है बता दीजिए आपको। देखिए बूंदाबांदी से कुछ ना कुछ तो राहत होगी। मरुस्थल के अंदर एक पानी की दिखती है, जीवन तो दिखाई देता ही है। अभी टेम्परेचर में कुछ गिरावट आ जाएगी, इकोसिस्टम डाउन जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा, ह्यूमिडिटी फिर बढ़ेगी, फिर टेम्परेचर अप जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं। राहत कितनी दिल्ली में बूंदाबांदी? राहत है, राहत तो ये मान लीजिए 50% राहत मिल गई अभी, बड़ी राहत मिली है। मौसम अच्छा? बहुत अच्छा मौसम, कूल है, बहुत ही अच्छा मौसम। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, आसमान में जहाँ आग के गोले बरस रहे थे, तेज धूप थी, सूर्य देवता जो है पूरा रूप अपना रूप दिखा रहे थे, अब कहीं ना कहीं आज जो है बड़ी एक राहत है। और रात को भी बड़ी राहत थी कि ठंडी हवा चल रही थी जो लू के न थपेड़े थे, लेकिन धीरे धीरे मौसम विभाग ने जो कहा कि 2021 से शुरुआत हो जाएगी मौसम में परिवर्तन की, और उसका सीधा असर अब राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि जो आसमान में बादल छाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई है उसका एक असर अब देखा जा रहा है कि मौसम ने करवट बदली है, तो दिल्ली के वासियों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।